बिल्कुल गलत सही है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है, तो हम आपको बताते हैं पूरा मामला जो सामने आया है। कैसे लड़ा जाता है सर, आप बताइए मेरे को कैसे लड़ा जाता है चुनाव। जहानाबाद के चुनावी रण में खम ठोकने के लिए 40 अभ्यर्थियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया था, लेकिन नॉमिनेशन फॉर्म में त्रुटि पाए जाने के बाद ऐसे 23 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया। नामांकन रद्द होने से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने की आस लगाए बैठे अभिषेक दांगी को मानो जोरदार झटका लगा हो। युवकों को चुनाव जीतने के बाद रोजगार देने का दावा करते हुए अभिषेक दांगी चुनावी मैदान में उतरने को लेकर नामांकन पत्र दाखिल किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका नामांकन पत्र स्क्रूटनी के दौरान रद्द कर दिया गया, तो नामांकन रद्द किए जाने की जानकारी और इसका कारण पता करने के लिए वो जिलाधिकारी से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। जिलाधिकारी कार्यालय के द्वार पर तैनात पुलिसकर्मियों ने जब उन्हें कार्यालय में जाने से रोका, तो वहां नौबत हाथापाई की आ गई। पहले तो पुलिसकर्मियों से निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक दांगी ने हाथापाई की। इस दौरान पुलिस और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरने की कवायद में जुटे अभिषेक दांगी की पहले बहस हो गई और देखते ही देखते नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से यहां धक्कम मुक्की हो रही है। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर ये सब हो रहा था। अभिषेक दांगी अपना नामांकन रद्द पाए जाने के बाद आक्रोशित नजर आए। ऊपर से पुलिस के इस व्यवहार ने उनका पारा चढ़ा दिया। अभिषेक दांगी ने कहा कि वो इस मामले को लेकर कोर्ट में जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि उनका नामांकन पत्र सब सही तरीके से भरा गया था, लेकिन एक साजिश के तहत उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। इस रद्द किए जाने की जानकारी मिलने पर वो इसका कारण जानने जिलाधिकारी से मिलने जब उनके कार्यालय पहुंचे, तो वहां मौजूद पुलिस वालों ने हाथापाई की। अभिषेक दांगी ने ये भी कहा कि वो इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे और उन्हें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगी। इधर अभिषेक दांगी का क्या कहना है वो भी सुनिए। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। किया मैंने अपने हक की आवाज उठाने के क्रम में अपनी बात रखी डीएम के सामने, और वो बात के लिए मैं उनको बोल रहा था कि जो आप रिसीविंग मेरे को दे रहे हैं उसके साथ में जहाँ पे कमी आप बता रहे हैं उसको हाईलाइट करके हमको एक पेज का कॉपी संलग्न करके दे दीजिए। उस बात को करने के क्रम में जब बात हो रही थी उसी समय में मनोज कुमार तिवारी ऐसा ही है वो पकड़ के मेरा कमर को वहाँ से खींच के बाहर निकालने का प्रक्रिया में धक्का मुक्की करते हुए और इशारा किया सारा कैमरा बंद कर दो। सारा कैमरा जबकि नियम है कि इलेक्शन का प्रक्रिया के दौरान सारा कैमरा चलता रहेगा कहीं पर भी, और वहाँ कैमरा बंद करा के मेरे साथ जोर जबरदस्ती किया गया, धक्का मुक्की किया, जिसके कारण हमको विरोध करना पड़ा कि भाई आप कैमरा कैसे बंद करा सकते हैं। फिर उसके बाद इन लोगों ने एसडीएम को फ़ोन किया, एसडीएम भी दौरे दौरे वहाँ से आए। वो भी आते ही ये नहीं सोचे कि कैंडिडेट के साथ क्या हो रहा नहीं हो रहा है, वो सीधा पहले आते कैमरा बंद करो, और उसके बाद वो भी बदतमीजी करने लग गए। तो उसी क्रम में मैं अपना फ़ोन निकाल के वीडियो बनाने लग गया, मेरा फ़ोन भी पूरा जोर जबरदस्ती छीनने की कोशिश हुई। उसी छीनने की कोई प्रक्रिया को लग रहा है कि मैं किसी के साथ लड़ रहा हूँ, उल्टा मेरे साथ जाती वहाँ हो रही थी। मैं अपना वो विरोध कर रहा था जो बाकी और भी जब धक्का मुक्की होते हुए जब नीचे पहुँचे तो बाकी मीडिया कर्मियों ने भी इसको रिकॉर्ड किया, बहुत सारी जगह वीडियो सार्वजनिक भी आप लोग देख सकते हैं, पूरे सोशल मीडिया पर हर जगह पर वीडियो अवेलेबल है कि क्या हुआ है मेरे साथ, मैंने गलती की है कि वो लोग मेरे साथ जाती कर रहे थे। आने वाले समय में 243 जो पूरा विधानसभा सीट है मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन पूरे 243 सीट पे हम कैंडिडेट उतारेंगे, देखते हैं किसमें कितना दम है, कितना लोग को रिजेक्ट कर सकते हैं, पूरे बिहार में कितना ही लोग फाइल रिजेक्ट करेंगे हम देख लेंगे। आप ही कर रहे हैं मेरे साथ ये बिना हक लिए हुए आप मेरे बाहर कर रहे हैं, नहीं मिला भाई, नहीं मिला, इसके तहत सस्पेंड नहीं मिला है, लिखा हुआ है
कुछ अपूर्ण नहीं है सर उसमें, उसमें साइन किया हुआ, उसमें जबरदस्ती डिसअप्रूव किया गया, तभी ना आपने बात रख रहा था, तो तब तक ही मेरे को आए और कमर पकड़ के बाहर कर दिया। आप कौन होते हैं मेरे को कमर पकड़ के बाहर करने वाले? मनोज कुमार तिवारी जी ने मेरे को कमर पकड़ के बाहर किया है जबरदस्ती, और कोई आरओ मैम ने ये नहीं बोला कि इनको बाहर करो। चलिए हम लोग जवाब देंगे, हम लोग जवाब देंगे। एज अनुमंडल पदाधिकारी मैं आपको कह रहा हूँ, आप अभी चले जाइए, न्यूसेंस क्रिएट मत कीजिए, कैंपस में न्यूसेंस नहीं क्रिएट कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ आपको। इन्होंने क्रिएट किया, आप विवश मत करिए, इन्होंने न्यूसेंस क्रिएट किया, मैंने नहीं किया। ठीक है, हम लोग जवाब देंगे।